आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो यूजी से पीजी में एडमिशन सब्जेक्ट और कोर्स चेंज करवा के एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि यदि आप लोग बीए यानी कि आर्ट्स से आप सभी लोग यूजी किए हुए हैं, वहीं आप सभी लोग पीजी में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ले सकते हैं। वहीं यदि आप लोग आर्ट्स यानी कि साइंस स्ट्रीम से आप सभी लोग यूजी किए हैं और पीजी में चाहते हैं आर्ट्स में एडमिशन लेना तो किस प्रकार से ले सकते हैं। या फिर आप सभी लोग जो भी ऑनर्स पेपर, यदि आप लोग का जो भी बीए में ऑनर्स पेपर था पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री, और यदि आप लोग चाहते हैं पीजी में अदर सब्जेक्ट से यहाँ पे एडमिशन लेना तो वो किस प्रकार से कर सकेंगे, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी जानकारी के साथ आज की इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आप लोग ग्रेजुएशन में बीए से किए हुए हैं और आप लोग चाहते हैं कि यानी कि जो भी आप सबका पीजी में एडमिशन हो वो मास्टर ऑफ साइंस में एडमिशन हो या फिर यहाँ पे मास्टर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हो, तो आप सभी को बता दूं कि क्या यह संभव है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग ग्रेजुएशन में बीए किए हैं और आप सब लोग चाहते हैं कि साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लूँ तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे बता दें कि यदि आप लोग बीए किए हैं यूजी में तो आप सभी लोग एमए में एडमिशन कराएंगे, यदि आप लोग यहाँ पे बीएससी में बीएससी से यूजी किए हैं तो एमएससी में एडमिशन लेंगे, और यदि आप लोग बीकॉम किए हैं तो आप सभी लोग एमकॉम में एडमिशन लेंगे। यानी कि यदि आप लोग आर्ट्स से किए हैं यूजी तो पीजी भी आर्ट्स से करेंगे, यदि आप लोग साइंस से किए हैं यूजी तो आप सभी लोग पीजी में भी साइंस से ही यहाँ पर एडमिशन लेंगे, यदि आप लोग कॉमर्स में यूजी किए हैं तो आप सभी लोग पीजी में भी यहाँ पर कॉमर्स से ही एडमिशन लेंगे। तो उस केस में अब बात कर लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट का यदि बीए में उनका सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर हिस्ट्री था तो उनको भी यहाँ पे पीजी में यहाँ पे हिस्ट्री से ही ऑनर्स से ही आप लोग को यहाँ पे एमए में एडमिशन लेना होता है, तो वो किस प्रकार से सब्जेक्ट को चेंज कर पाएंगे, क्या यह संभव है। तो मैं आपसे बता दूँ कि यदि आप लोग ग्रेजुएशन में जो भी आप लोग का सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट से नहीं करना चाहते हैं पीजी, दूसरे सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो मैं आपसे बता दूँ कि यह संभव है। तो किस प्रकार से संभव है तो मैं आप सबको बताना दूँ, यदि आप लोग का जो भी ऑनर्स पेपर है, मान के चलिए आप सभी का हिस्ट्री ऑनर्स पेपर है यानी कि बीए में, तो आप सभी लोग चाहते हैं एमए में, आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस से यहाँ पे एमए में एडमिशन लूँ तो किस प्रकार से लेंगे। तो यदि आप लोग का यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स पेपर है और आप सभी का जो भी सब्सिडरी पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस में है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस आप सभी का सब्सिडरी पेपर में है बीए से किए हुए हैं और उनमें आप सभी को 55% मार्क्स आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यदि उनमें आप सभी को जो भी पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी पेपर में है उनमें आप सभी को 55% मार्क्स आया हुआ है तो आप सभी लोग उस केस में पीजी में आप सभी लोग पॉलिटिकल साइंस से एडमिशन करा सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोग किस प्रकार से एडमिशन कराएंगे, तो आप सभी लोग इसके लिए जो भी आप सभी का नोडल पदाधिकारी होते हैं यानी कि जो भी आप सभी के यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के जो भी यहाँ पे कुलपति हैं उससे आप सभी को बात करनी होगी, वहाँ पर जाके आप सभी को अप्लीकेशन देना होगा, तो फिर आप सभी लोग अपना जो भी सब्जेक्ट है वो चेंज करा करके एडमिशन ले सकते हैं पीजी में। यदि आप लोग यहाँ पे एमए बीए किए हैं तो एमए में एडमिशन लेंगे, यदि आप लोग यहाँ पे बीएससी किए हैं तो एमएससी में एडमिशन लेंगे, यदि आप लोग बीकॉम किए हैं तो एमकॉम में एडमिशन लेंगे। तो ये इनका प्रोसेस होता है, यदि आप लोग इनको फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो अलग से आप सभी लोग यहाँ पे चेंज करवा के एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ आप सभी लोग सब्जेक्ट ही चेंज कर सकते हैं, बाकी कोर्स को सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आज आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोग को बहुत ही जानकारी मिली होगी, आई होप कि मेरे द्वारा बताई जानकारी आप सभी लोग समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे जो भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप सभी को कोई भी अपडेट आए सबसे पहले देख